कि आज पोल डे है श्रीनगर के 932 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हो रहा है इस टाइम। और अगर आप 9 बजे की रिपोर्टिंग देखिए, 5% वोटिंग हो चुकी है। और अभी 11 बजे का जो 2 आवरली रिपोर्टिंग है, उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वी है ऑलमोस्ट 11% से लाल चुक हो गए। रिपोर्ट्स आर कमिंग, अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड परसेंटेज ऑफ पोलिंग इन श्रीनगर। जिस तरीके से 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, उससे कहीं बेहतर और कहीं गुना हम लोग वोटिंग का जो पैटर्न है वो देखेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में हमने विजिट किया है, तो यंग वोटर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जिन्होंने इनरोल किया है, दे आर इन द पोलिंग स्टेशन। और एक जो हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट श्रीनगर में जो पोलिंग हो, एक फेस्टिवल की तरह हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सभी लोग आए हैं और अपना वोट कर रहे हैं। हमारी सारी फैसिलिटीज़ वोटर्स के लिए इन प्लेस है। जो पोलिंग स्टेशन है, 932 पोलिंग स्टेशन, उनमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के जो रैंप्स है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर है, वी हैव सेपरेट टॉयलेट्स हैं, और एक अच्छा माहौल रखा है हमने पोलिंग स्टेशन पे, ताकि उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहे वंस दे कास्ट देयर वोट। आपके माध्यम से पूरे श्रीनगर की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ, 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, अपने घरों से निकले और वोट करेंगे। जिस तरीके से द वे पीपल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वोटर, कि वोट जो वो करने आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में, वो आ रहे हैं अच्छे से, एक अच्छा सिक्योरिटी इंतजाम भी रखे हुए हैं, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, पीपल आर कमिंग और वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फॉरेन डेलीगेट्स भी आए, वो भी देख रहे हैं कि हाउ दिस डेमोक्रेसी, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, और हाउ इट इज़ ये किस तरीके से फ्लोरिश होती हैं थ्रू इलेक्शंस। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो नारा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, हम उसी पे चलते हैं। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, अ गुड एक्सपीरियंस फॉर वोटर एंड अ वेरी गुड फैसिलिटीज एट पोलिंग स्टेशन, दिस इज द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड वी इंश्योर कि दैट ये चीज़ें हम कर पाए। फिर वोटर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहो, या कोई फॉरेन डेलीगेट आए वो भी देख सकता है कि दैट हाउ द वोटिंग हमारी जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें होती है।